हाय गाइस, पूरा हियर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। टाटा मोटर जो शेयर है वो एक्चुअली आज अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर शेयर जो है वो आज अराउंड 4.87% की तेजी रही उसके अंदर। और ये सुबह एक्चुअली ओपन हुआ था, उसका लोएस्ट लो था 121 रुपीज़ का और हाईएस्ट पॉइंट था 128 रुपीज़ का। इसके अंदर काफ़ी ह्यूज एक्चुअली ट्रेडिंग हुई है, मोर देन करोड़, एक्चुअली 2 करोड़ की एक्चुअली इसके अंदर डिलीवरी उठाई गई है। अगर हम देखें 1 वीक का ग्राफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1 वीक में अराउंड 2% का लॉस दिखा रहा है। 1 मंथ का अगर ग्राफ देखें हम लोग तो 16% की तेज़ी दिखा रहा है। 1 ईयर में 9% का रिटर्न दिखा रहा है। पिछले 5 साल का अगर देखेंगे तो 63% का लॉस इसके अंदर दिखा रहा है। ठीक है गाइस, तो मतलब 1 साल पहले अगर किसी ने पैसा इसके अंदर लगाया होता तो ये वो उसका पैसा डूब गया होता, और 5 साल पहले। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो ये अगर आप देखेंगे तो 2016 से ही ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसकी प्राइस हुआ करती थी 500 रुपया, अभी वो 127 रुपीज़ को चल रहा है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर JLR जो है तो उसकी वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है और ये लो में चल रहा है, और नियर फ्यूचर में इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा होगा। लोग इसको समझ रहे हैं कि फिर ये 3-4 गुना रिटर्न बना के देगा, मगर अभी के अगर ग्राफ से देखें हम लोग तो वो लोअर लो पे लो लगाते जा रहा है और लोअर रिटर्न दे रहा है गाइस। ये हो सकता है एक्चुअली आगे 5-10 सालों के बाद चलना चालू हो जाए, मगर आप एक बात देखिए कि उसको इस तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आप को कोई घर लेना है, फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है, तो आप शहर से 20 किलोमीटर दूर, आपके घर से 20 किलोमीटर दूर जहाँ पे अभी कोई फैसिलिटी नहीं है, मगर हो सकता है अगले 50 साल के बाद या 50 साल में या 20-25 सालों के बाद वहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट होने वाली है, इसलिए वहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करो आप। तो ये और आज ही के दिन आप वो जो 50 साल बाद एक्चुअली जो रेट आने वाला है उसके लिए उतना रेट दे दो आप, तो ये जस्टिफाई नहीं करता गाइज। तो गाइज जब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक्चुअली प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, टाटा मोटर्स की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, तब ये जब ऊपर चलने लगेगा, मेरे ख्याल से ये जब एक्चुअली क्रॉस करेगा 250 रुपये को, तब आप इसके अंदर एंट्री लग सकते हैं, ले सकते हैं। जब ये ऊपर चलने लगेगा 200 रुपये चलने लगेगा, मगर मुझे नहीं लगता कि ये नियर 4-5 साल या 5 साल के बीच में ये ऊपर इतना जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम देखें 1 साल पहले भी उसने हाईएस्ट पीक 197 का बनाया था, उसके बाद वो नीचे गिरा, और उसका लोएस्ट पॉइंट अगर देखें हम लोग तो 63 रुपीज़ को एक्चुअली वो गया था। तो यहाँ पे कोई एंट्री करता था तो वो एक्चुअली जस्टिफाइड था, मगर एज ऑफ नो ये जो एक्चुअली जिस प्राइस पे अभी ये टाटा मोटर्स हैं, इस प्राइस पे एंट्री करना आई डोंट थिंक कि ये सही बात है। हम लोग देख लेते हैं, ये लार्ज कैप एक्चुअली शेयर है, 39 करोड़ का मार्केट कैप है, मॉडरेट रिस्क है, मतलब वॉलेटाइलिटी रहती है इसके अंदर, पी रेशो माइनस में है, ठीक है, डिविडेंड ये देता नहीं है। फोरकास्ट देख लेते हैं कि कितने एनालिस्ट ने उसको कितने नंबर दिए हैं, तो 35 एनालिस्ट ने इसको रिव्यू किया हुआ है, 46% ऑफ पीपल कह रहे हैं कि इसको बाय की रेटिंग दी है, और 54% ने इसको निगेटिव की रेटिंग दी है। तो फाइनेंशियल यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइनेंशियल में बैलेंस शीट में क्या है इसका। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2017 से 2020 तक, एक्चुअली 2020 में इनको काफ़ी एक्चुअली कम रेवेन्यू हुआ है। यहाँ पे नेट इनकम देखें हम लोग तो पिछले 3 सालों में निगेटिव रिटर्न दे रहा है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में इसने अराउंड 28 करोड़ का लॉस दिखाया है, और
2020 में 12,000 करोड़ रुपीज़ का लॉसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस हिसाब से इसको रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, और 5-6 सालों के बाद आप इस शेयर को लेने के बारे में सोच सकते हो। मगर इस लेवल पे मेरे ख्याल से इसके अंदर एंट्री करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। हम लोग देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल में ही अगर आपको एंट्री करनी है तो मेरे ख्याल से बेस्ट पिक होगा मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप इन दोनों में से भी मुझे पूछें कि कौन से शेयर पे हमें पैसा लगाना चाहिए, तो मारुति जो है वो बेस्ट पिक रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं मारुति और इसका, यहाँ पे 1 साल का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मारुति जो है मारुति की लाइन यहाँ पे दी गई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है एंड टाटा मोटर्स ब्लू में है। तो मारुति जो है वो बेस्ट पिक रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट रहेगा। आप अब देख लेते हैं इसके अंदर होल्डिंग जो है कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 42% की है, तो और पास 6 मंथ से प्रमोटर ने उसकी होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट रही है। कोई जो शेयर्स जो है प्रमोटर्स ने गिरवी नहीं रखे हुए वो बेस्ट बात है। फॉरेन इन्वेस्टर ने उनका जो होल्डिंग है वो घटाया है, ये एक्चुअली घबर डरने वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर अराउंड 15% की होल्डिंग इसके अंदर ली हुई है। हम लोग देख लेते हैं कि ओवरव्यू के अंदर अगर हम देखेंगे रिसेंट न्यूज़ कि प्राइस का डेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मोटर इंडस्ट्री में, नए नए व्हीकल्स ला रहा है, वो सब चीज़ें हैं, मगर उनके प्रॉब्लम्स अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स से एक्चुअली कंपनी गुजर रही है, तो मेरे ख्याल से इसको रिकवर करने के लिए और 2-4 सालों का वक्त लग सकता है गाइस। और इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि कोई रिटेल इन्वेस्टर जो है इसके अंदर शेयर लेके फंसे एज ऑफ नाउ। तो मेरा मानना ये है अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है गाइज, आपने अगर नीचे के रेटों में इसको खरीदा हुआ है, तो अगर इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो गाइज आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसको सेल कर दीजिए। आपको फिर भी इसके अंदर रिस्क लेनी ही है किसी भी हालत में, तो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो क्या 1 और 2% ऑफ पोर्टफोलियो आप इसके अंदर पैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का है तो आप 1 से 2 हज़ार रुपये तक का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर भी 1 या 2 हज़ार का भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम नहीं है इसके अंदर अभी पैसा लगाने का। मेरे ख्याल से अगर ये शेयर आपको 100 रुपये से नीचे मिलता है, 100 रुपये से नीचे, तो ही आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 100 रुपये से नीचे अगर आपको ये मिलता है तो ही, अदरवाइज मेरी इस शेयर में रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस शेयर के रिगार्डिंग, आप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। और कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली है, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ कि कौन से शेयर आपको लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।